अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, मैं इलियास शेख आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ILU एंटरटेनमेंट पर। और जिस भाई ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन दबा ले ताकि हमारे रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे। और जिस भाई को भी शूट करवाना है डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया, उससे कॉल और मैसेज कर सकता है। चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। क्या खैरियत से भाई? अल्हम्दुलिल्लाह इलियास भाई, कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है। तो आज हम है तलोजा में और हमारे साथ है भाई, अपना नाम बताइए। मेरा नाम जैनुल आबिदीन शेख है। ओके। और मैं तलोजा फेज वन में, ये छोटा मोटा शौक करते थे हम लोग पहले। अच्छा। हाँ जी, तो ये शौक को हम लोग ने अल्हम्दुलिल्लाह अभी सोचे कि थोड़ा ट्रेडिंग में आए, तो इंशाल्लाह हम लोग का और थोड़ा शौक बढ़ा रहे हम लोग अभी। ओके। हाँ, तो इसका नाम हम लोग ने बरका गोट फार्म रखे। बरका गोट फार्म, गोट फार्म। तो बरका मीनिंग क्या आएगा? ये अल्लाह की नबी की बकरियों में से एक बकरी का नाम था बरका। ओके। बरकत वाली, तो उनके नाम पे ये पूरा फार्म चालू रहा। बहुत माशाल्लाह। तो कितने साल से अपन ये काम में है अभी? अल्लाह का शुक्र है, शौक तो इलियास भाई जान अल्हम्दुलिल्लाह, देखो बचपन से ही शौक है। यारी रोड पे मैं पला बड़ा, वहीं पे शौक था अल्हम्दुलिल्लाह। फिर यहाँ पे आके थोड़ा काम में बिजी हो गए, ये वो तो छोटा मोटा करते थे, फिर अल्हम्दुलिल्लाह अभी बढ़ाए हमने यहाँ पे शौक। ओके। जी जी जी, तो शौक तो काफी टाइम से आप बोल सकते इलियास भाई जान। ठीक है। तो अभी मैं 35 का हूँ, तो आप समझ जाओ एक अच्छा खासा एक 15-17 साल का एक्सपीरियंस हो सकता है। तो अभी ये बरका जो फार्म के से बुनियाद ऐसा क्यों एक दिन डाला आपने, मतलब दिमाग में आई आपको, क्या पलाई भी कर रहे हो आप ना? जी जी, पलाई भी ले। तो ऐसा ये फार्म के रूप में कब से हो आप? ये देखो भाईजान अल्हम्दुलिल्लाह क्या है, रिस्पांस अच्छा मिल रहा है इसमें सबसे पहली। ओके। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे नबी की पसंदीदा तिजारतों में से है, तो हमने यही एक बिजनेस चुने कि चलो हमारा एक शौक भी होता है इसमें और अल्हम्दुलिल्लाह एक अपना सुन्नत का सुन्नत भी हो जाता है। तो ये हिसाब से हमने सोचे कि चलो हमारे भाइयों के लिए हम सस्ते सस्ता सस्ता और अच्छे क्वालिटी में बकरा हम प्रोवाइड करें। जी जी, ठीक है, चलेगा। तो एग्जैक्ट एड्रेस क्या है? ये एग्जैक्ट एड्रेस आपको बताऊं तो तलोजा फेज वन सेक्टर 14 जी कैफे होटल है, बहुत फेमस होटल है, बिल्कुल उनके उसके सामने ही हमारा फार्म है। ठीक है जी। तो पहले तो अंदर चलते जी, जरूर लोगों को दिखाते हैं। माशाल्लाह, तो आप लोग देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये इनके शौक की चीज थी। तो शौक मतलब इधर कर रहे थे आप, शौक यहाँ से स्टार्ट हुआ। जी जी जी, और कुछ एक सेटअप और है आपका जी, उसमें भी आप पलाई भी लोगे? पलाई भी लेंगे। जी जी, बराबर। हाँ, वहाँ पे खस्सी के हिसाब से हमने सेटअप बनाया इलियास भाई। ओके। यहाँ पे कूटे मार के हम ज्यादा करके अंडूलों का शौक पूरा कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे हमारा एक बल्ली भी बना हुआ है, मेंढे का भी शौक यहाँ पे करते हैं। अच्छा। तो यहाँ ज्यादा करके हम लोग अच्छे स्टड लाइन के अल्फा टाइप के जो ब्रीड रहते हैं हम उनका सेटअप लगा। ये हमारे त्रिलोकी भाई है। ओके। माशाल्लाह इनकी मेहनत देखो, 24 आवर्स ये बंदा आपको यही मिलेगा। आप जानवरों की तैयारी देखो, इनकी क्वालिटी देखो, खुर कटिंग देखो, झालर वगैरह हर चीज साफ सफाई से लेके A to Z। ये मेरा त्रिलोकी मेरा भाई, ये हमारे फार्म की जान है बरका गोट फार्म की। अच्छा। और माशाल्लाह बहुत मेहनती है, बहुत जुड़े हैं आपके साथ ये तकरीबन आप बोल सकते हैं इससे मिलके तीन चार साल तो हो ही गया है, लेकिन माशाल्लाह बॉन्डिंग ऐसी हो गई कि ऐसा लगता है बचपन का दोस्त है हमारा। हाँ सच में भाई, एक मोहब्बत हो जाती है, तो वो हिसाब में मैं आपको बोल रहा हूँ। माशाल्लाह शौक बहुत शौकीन, बहुत शौकीन लड़का है माशाल्लाह। माशाल्लाह देखो, बकरे देख के मालूम पड़ता है कि कैसे अल्हम्दुलिल्लाह टेक केयर हो रहा है। और माशाल्लाह मैं पूरा फार्म टूर कराऊंगा। ठीक है जी। पहले तो आपका फेवरेट ब्रीड कौन सा बताइए? मेरा फेवरेट ब्रीड आप देखेंगे इलियास भाई, बोर। अच्छा, मेरा पसंदीदा है अफ्रीकन बोर। सानियन मेरा पसंदीदा है। ओके। और बॉम्बे के सारे लोग जो पसंद करते हैं कोटा, कोटा एग्रेशन। तो कोटा भी यहाँ मिलेगा, तो ऐसा मतलब ऐसा स्पेशल ब्रीड नहीं है, सब पसंद आ रही है जी अल्हम्दुलिल्लाह। जो देखो मेरे को एग्रेसिव ज्यादा पसंद है। अच्छा, एग्रेशन, एग्रेशन में ज्यादा पसंद है। सिंग सिंगार हथियार अच्छी रखे उस पे मैं ज्यादा फोकस रहता है मेरा, तो सानियन और बोर ये ज्यादा पसंद करता हूँ। ओके। और बॉम्बे के लोग जैसा जो शौकीन होते हैं, हाँ, आपको भी पता होगा आप भी माशाल्लाह काफी जगह जाते हो, तो वो कोटा पसंद करते हैं हाइट के हिसाब में। कोटा तो पहली पसंद है। नो डाउट जरूरी है। एग्रेशन में इनका तोड़ देखो क्या बच्चा है माशाल्लाह। तो एक एक करके मैं आप लोगों को पूरा फार्म टूर कराऊंगा, जुड़े रहिए मेरे साथ जैनुल भाई। तो अपना जो है पलाई सेटअप है उसके बारे में बताइए, अभी फिलहाल कितने जानवर है अपने पास पलाई पे? अभी इलियास भाई देखिए जैसा हमारा सेटअप है वो हिसाब में आप देख सकते हैं, जगह थोड़ा यहाँ पे कम पड़ता है हमको। ओके। अंडुल के हिसाब से,
लेकिन उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमको पलाई के हिसाब में देख रहे हैं। आप यहाँ पे तीन बकरे यहाँ पे पलाई पे है कूटे पे। ओके, ये एक पीछे एक बेंटम है। अच्छा, ये पलाई ये एक बेंटम है, थोड़ा सर्दी में आ गया था इलियास भाई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 8-10 पे अच्छे बच्चे ने रिकवर दिखाया है। अभी इंशाल्लाह इसको एक महीने बाद आप देखो, मजा आएगा। बहुत अच्छा जी जी। तो माशाल्लाह मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो है अच्छी खासी क्वांटिटी में इनके पास, उनका पर्सनल शौक भी है, ठीक है, जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए तो ये बड़े फर्स्ट सेल रहने वाले ना जी इलियास भाई, ठीक है। तो इनकी भी पर्सनल वीडियोस आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट में, जो बड़का गुड फॉर्म की सीरीज आ रही है ILU एंटरटेनमेंट पे, जुड़े रहिए। माशाल्लाह पेटी देखिए बेहतरीन। ये बच्चा देखो हथियार, तो मतलब ये अपने पास शौक का है क्या? ये शौक का इलियास भाई, छोटा था ये, जीरा रात पे था, माशाल्लाह जब से ये आया हमारे पास, माशाल्लाह झालर पट्टी देखी है इसकी, बहुत जबरदस्त लिया बच्चा अभी माशाल्लाह। ये देखिए इलियास भाई छट्टा दांत कर रहा है, छट्टा दांत कर रहा है, क्या बच्चा है देखो माशाल्लाह। तो एक से एक क्वालिटी आप लोगों को बड़का गुड फॉर्म की सीरीज में देखने मिलने वाली है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो जैनू भाई जी, भाई ये भी पलाई पे अपने पास अल्हम्दुलिल्लाह जी, फीमेल ही पलाई पे लेते, फीमेल भी पलाई पे आई थी ये। ओके, ये माशाल्लाह पट आई थी हमारे पास, हमारे ही ब्रीडर से क्रॉस हुई थी, कस्टमर के डिमांड पे इसको चौथे दांत पे क्रॉस किया गया था भाई। अच्छा, इतना सबर किया अल्हम्दुलिल्लाह उसने, और अल्लाह ने उसके सबर का फल दिया। दोनों नर बच्चे माशाल्लाह देखो, दोनों नर, दोनों गुलाबी, क्या बच्चे है देखो, खूबसूरत बच्चे, खूबसूरत बच्चे माशाल्लाह, एक्टिव हैवी बोन, दूध पिए हुए अच्छे बच्चे माशाल्लाह। ठीक है, तो ये भी बच्चा पलाई पे जी 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 इलियास भाई, ठीक है, बहुत बेहतरीन। तो यूट्यूब पे जो है फर्स्ट टाइम आ रहे हो आप? जी जी इलियास भाई, ये तो पर्सनल अपने जान पहचान वाले भी पलाई पे रखे हो गया जी जी। एक दो है मेरे रिश्तेदार में भी है जो देते थे पहला, लेकिन अभी मैं फर्स्ट टाइम ऐसे ओपनली आ रहा हूँ सबके सामने कि यहाँ पे पलाई हम स्टार्ट करेंगे। कितना मतलब कितने बकरे रख लोगे पलाई पे? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अभी कैपेसिटी इलियास भाई, हम 50 बकरे की कैपेसिटी तक पहुंच सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी हाल फिलहाल में। ओके जी, ऐसा फार्म की कैपेसिटी पूछेंगे तो हम 150 बकरे तक पहुंच सकते हैं इंशाल्लाह, लेकिन अभी जो सेटअप बना है हमारा वो हिसाब में हम 50 बकरे ही लेंगे अभी। चलेगा चलेगा। तो आपका ब्रीडिंग सेटअप भी है? जी जी, अभी दिखा दीजिए लोगों को, ये देखो इलियास भाई फेवरेट है आपकी? जी भाई, ये मेरे घर का सानियन है, इसका नाम रेनबो है। अच्छा, ये हमारी बकरी थी माशाल्लाह जो आपने अंदर देखे थे, उसी का ही बच्चा है। अच्छा जी जी, ये भी नर पैदा हुआ माशाल्लाह, और बहुत अच्छा एक्टिव बच्चा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा जी। तो मेल बच्चा है उसके बाद, और ये सब आपका ब्रीडिंग सेटअप है? ब्रीडिंग सेटअप है जी माशाल्लाह, थन देखो इसको, अल्लाह की कुदरत, कितना दूध आता है इसको? ये माशाल्लाह इलियास भाई एक एक टाइम पे इसने 2 लीटर भी दिए हमको, लेकिन हम एवरेज रेट रेशो बोलेंगे तो 1.5 लीटर पकड़ के चलिए, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा भी माशाल्लाह आप देख सकते हैं, तो बरबरी भी है इसके अंदर, और ये कौन सी नस्ल है? ये कोटा है, कोटा फीमेल है, फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है। ठीक है जी माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन। बड़का गुड फॉर्म का जो शौक का प्लेस है, यहाँ जो है यहाँ से शौक स्टार्ट हुआ, और अब इनके दूसरे सेटअप पे चलते जी इंशाल्लाह, वहां भी जो है पलाई का सेटअप है वो आप लोगों को देखने मिलेगा। क्या क्वालिटी में जो है बड़का गोट फार्म फॉर सेल का वीडियो आएगा, उसमें क्या मिलेगा इंशाल्लाह वो भी दिखा दूंगा। तो चलते हैं दूसरे सेटअप पे और लोगों को शौक कराते हैं, ठीक है? जरूर जरूर जी। तो हम आ चुके हैं बड़का गोट फार्म के न्यू सेटअप पे, माशाल्लाह अच्छे खासा ह्यूज स्पेस के साथ। आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आपका लड़का है? जी जी जी। इनको भी शौक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी माशाल्लाह अंडर ट्रेनिंग है अभी, माशाल्लाह काफी मदद करता है, चारा वगैरह पानी पिलाने में बहुत आगे रहता है बच्चा। अच्छा। बहुत अच्छा। जाओ इब्राहिम, तो आप भी अपने बच्चों को सुन्नत वाले शौक पर रखिए, इंशाल्लाह वो जो दूसरे शौक है उससे बच जाएगा, ठीक है? तो ये स्पेस क्या है, कितना है मतलब टोटल स्पेस कितना? ये टोटल स्पेस इलियास भाईजान 50x50 का परफेक्ट एरिया है, 50x50 जी, 50x50 का एरिया है। ये हमारा स्टोरेज रूम है जहाँ पे अनाज काफी अच्छी कैपेसिटी में स्टोर करते हैं हम। चलेगा, जब भी हमको हरी पत्ती सस्ते भाव में पड़ती है इलियास भाई, ओके, तो हम स्टोर करके रखते हैं यहाँ पे। ये देखो, तो ये स्टोरेज रूम है जी जी, बहुत अच्छा। और ये जो है
इसमें भी पलाई के जानवर है अपने पास अभी? जी लाल भाई, पलाई के भी है इसमें और कुछ सेल के भी है। सेल के भी है। चलेगा, तो सेल की वीडियो आप लोगों को इंशाल्लाह इसके बाद देखने मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह और भी सेटअप तैयार होने वाला है। ये कब से, ये स्पेस कब से आपके पास? ये तकरीबन इलियास भाई हमको 2.5 महीने हो गए ये सेटअप हाथ में लेके पूरा। ओके। और अल्हम्दुलिल्लाह इतना हमने अभी तक का प्रोग्रेस किए है, अल्लाह का शुक्र है। बहुत अच्छा कि 2.5 महीने के अंदर अंदर दरमियान में हम अच्छा पहुंचे इलियास भाई। माशाल्लाह देख सकते अच्छी खासी क्वांटिटी में, और बाहर भी जो है चढ़ने के लिए भी जगह स्पेस अवेलेबल है। जी जी जी, बाहर का भी स्पेस। मैं मेंशन करूंगा जो ब्रीडिंग के शौकीन होते हैं, बकरियां रख कर बच्चे निकालना शौक होता है लोगों का, तो वो यहाँ पे पूरा कर सकते हैं इलियास भाई। ये रिवर टच है एरिया। अच्छा, रिवर टच या रिवर टच है। हमारे पास लड़का है ओके समीर, वो नीचे उतरता है सारी बकरियों को लेकर, चरा कर मगरिब से पहले लेकर आ जाता है। मतलब जो आप पलाई तो ले रहे हो फीमेल्स की भी जी, तो जो ब्रीडिंग सेटअप चलाना चाहता है जी, और शहर में उसको कहीं नहीं मिल रहा है चराने के लिए जगह, परफेक्ट, तो आपके पास देके चराई के पर बकरियों को ग्रेजिंग पे भी रख सकते हैं। बहुत जबरदस्त, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा स्पेस है और आप देख सकते हैं माशाल्लाह सिटी के अंदर, तलोजा सिटी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह फेस वन में बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये फार्म बनाया जा रहा है। इधर भी कुछ बनने वाला है क्या? जी इंशाल्लाह यहाँ पे आने वाले टाइम पे हम यहाँ पे पूरा खस्सी का बाड़ा बनाएंगे। अच्छा, खस्सी का? या जी, यहाँ पे स्पेशली हम खस्सी का प्लान कर सकते हैं। खस्सी तो जो कुर्बानी के हिसाब से ज्यादा शौक रखते हैं पालने के लिए, खस्सी स्पेशली, क्योंकि बहुत सारे रिक्वायरमेंट आते हैं इलियास भाई, आपको भी मालूम है लोगों को खस्सी का शौक अब थोड़ा बढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हिसाब में यहाँ पे हम खस्सी के लिए भी प्रोग्रेस करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह सफिशिएंट जगह हमारे पास अंडुल के लिए भी है। बहुत बेहतर जी, और बारिश वगैरह से हमने डबल इसको कोटिंग करके रखे है खेत की जगह के हिसाब से, तो अल्हम्दुलिल्लाह बारिश का भी कोई टेंशन नहीं होता हमको। चलेगा। तो जैन भाई किससे मिला रहे हो? जी भाई ये समीर भाई है, ये हमारे दूसरे जो सेटअप है बरका गोट फार्म के। हाँ। ये हमारे यहाँ के केयर टेकर, गोट फीडर, डॉक्टर, हर चीज अल्हम्दुलिल्लाह। जानवरों के कंडीशन बताओ तो हमारे लड़कों की मेहनत समझ में आएगी इलियास भाई, ऐसा नहीं है। ट्रांसपोर्टर भी है साथ में यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। हर जानवर की आप क्वालिटी देखो माशाल्लाह, क्लीन खूर देख लीजिए आप अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आप लोगों को बरका गोट फार्म का प्रॉपर सेटअप बता दिया, और भी इंशाल्लाह सीरीज आएगी इनकी, मैं एक पर्सनल पलाई का भी वीडियो इनका आप लोगों को बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, अपना क्या चार्जेस ले रहे हो आप इलियास भाई? जैसा देखिए अभी हर जगह चालू है, आपको पता है कि सबका दाने का भी फ्लक्चुएट होते रहता है वगैरह हर चीजें रेट, वो हिसाब में हम लोग ने मद्देनजर रखते हुए, और स्पेशली जो आपका चैनल है जो फेमस है जो चीज के लिए कि रिजनेबल चीज में और शौक कराते हैं, वो हिसाब में हमने ये डिसाइड किए कि जो 40 किलो के नीचे के बकरे रहेंगे वो इंशाल्लाह हम 2,500 रुपया पर मंथ उसके अंदर वैक्सीनेशन, खाना पीना और मल्टी विटामिन मिनरल्स और हर चीज दिया जाएगा, और 40 किलो के ऊपर का बकरा है इलियास भाईजान तो उसका हम 3,500 तक लेंगे इलियास। 3,500? जी जी जी, 3,500 तक का, क्योंकि आपको पता है अंडुल के लिए स्पेशल एक केज बनाना पड़ता है, तो सारी फैसिलिटी है, सारी फैसिलिटी के हिसाब में। ठीक है, ठीक है, चलेगा, बहुत अच्छा। और उसके नीचे भी रहेंगे तो हम 3,000 में भी करेंगे, ऐसा नहीं है इलियास भाई कि हम लोग ने कोई बात को गांठ मार के रख ली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सही, तो फर्स्ट इंटरेक्शन है पब्लिक के साथ। जी जी जी, इंशाल्लाह 2,500 रुपए से 3,500 के बीच में जैसा आपको बकरा भेजना है, फीड में क्या 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 दोगे इंशाल्लाह नेक्स्ट में पलाई का सेपरेट वीडियो बना लेता हूँ आपका, जी जी। उसमें इंशाल्लाह लोगों को बताएंगे ताकि लोगों का शौक बढ़े। जरूर जरूर। ठीक है भाई, जी जी, चले। और किस और कुछ? और ये हमारे सलमान भाई है, वालेकुम सलाम। ऑल ओवर मुंबई किसी को भी गोट ट्रांसपोर्ट करवाना है, स्पेशली तलोजा, खारघर, नवी मुंबई के एरिया से कहीं पे भी भेजना है, तो ये हमारे भरोसेमंद सलमान भाई है। ट्रांसपोर्ट आपको लोडिंग कराना है स्टेशन में, ये सबसे भरोसेमंद इंसान है, मैं जिम्मेदारी लेके बोल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह काफी गोट ट्रांसपोर्ट करा है यहाँ से बरका गोट फार्म से, तो अगर किसी को भी चाहिए रहेगा आप इनसे कॉन्टेक्ट करिए, इनका नंबर बोलिए 6554334। चलेगा माशाल्लाह सलमान भाई माशाल्लाह, और ये था बरका गोट फार्म की टीम हो गई। ठीक है, और कुछ कहना है व्यूअर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए? सब्सक्राइबर्स के लिए प्लीज लाइक करिए इलियास भाई को, सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके शेयर करिए, स्टेटस पे शेयर करिए, भाई बहुत मेहनत करते हैं, इंशाल्लाह ये शौक को बढ़ाइए। आपके लिए बहुत अलग अलग जगह जा जाकर
बकरे का, जानवरों का शौक दिखाते हैं। आप लोग भी प्लीज इनकी मेहनत को कदर करते हुए लाइक करिए। आपका नंबर नहीं दिया आपने। मेरा नंबर है 8104893317। एड्रेस? मेरा एड्रेस तलोजा फेज 1 देवरत्न 1604। आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी, कुछ भी रहेगा, आप प्लीज आइए। जैसा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।